दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले में टीम इंडिया को मिली 20 साल बाद विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के बाद कई सुपरस्टार भारतीय खिलाड़ियों की पत्नियों ने विराट कोहली की यादगार पारी और लाजवाब भारत की जीत पर बयान देते हुए तारीफों के पुल बांध दिए। तो आखिर अनुष्का शर्मा और ऋतिका सचदेव से लेकर आथिया शेट्टी और नताशा ने क्या कुछ ऐसा बयान दिया जिससे करोड़ों भारतीय फैंस का जीत लिया दिल, जिसे सुनने के बाद आप भी इन सभी को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस मैच का करोड़ों क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो मैच भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को करारी धूल चटाकर 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। आपको बता दें, इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड टीम को बल्लेबाजी करने का रोहित शर्मा ने न्योता दिया, लेकिन भारत की घातक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड का एक भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सका। कुछ समय तक रचिन रविंद्र और ड्रेल मिचेल ने टीम की पारी को संभाला, लेकिन भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी के आगे एक भी बल्लेबाज टिक नहीं सका और 273 रनों पर पूरी टीम ढेर हो गई। टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने पहले ही विश्व कप का मुकाबले में 5 विकेट झटके। टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड ने छोटा लक्ष्य रखा था। भारतीय बल्लेबाज इस लक्ष्य को देखकर पूरी तरह से बौखलाए हुए थे और टीम के लिए पूरी पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों को पहले ही ओवर में धोना शुरू कर दिया। एक के बाद एक दोनों बल्लेबाजों ने खतरनाक शॉट लगाने लगे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन एक समय ऐसा है जब शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे और उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की पारी को संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन अय्यर भी ज्यादा देर तक टीम इंडिया की पारी को नहीं संभाल सके और पवेलियन लौट गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल भी जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट मैदान पर टिके हुए थे और जडेजा के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 20 सालों का इंतजार न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप की जीत का खत्म किया और यादगार जीत दिलाई। भारत की यादगार जीत से पूरा क्रिकेट जगत हैरान है और हो भी क्यों ना। भारतीय टीम ने 4 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद भारत के खिलाड़ियों की पत्नियों ने भी टीम इंडिया की जीत और विराट कोहली की यादगार पारी को लेकर लंबा चौड़ा बयान देते हुए तारीफों के पुल बांध दिए। तो चलिए आपको बताते हैं किसने क्या कुछ बयान दिया है। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 साल बाद विश्व कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं विराट कोहली की पारी देखकर बेहद खुश थी। कोहली ने टीम के लिए अहम पारी खेली, उसने टीम के लिए शानदार योगदान दिया, इसकी बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी ऋतिका सचदे ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को विश्व कप में 5वीं लगातार जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर टीम इंडिया इसी तरह खेल दिखाती रहेगी तो किसी भी टीम से नहीं हारेगी और खिताब को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेगी। आज विराट कोहली ने टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनकी परफॉर्मेंस देखकर मैं काफी खुश थी। मुझे उम्मीद है कि वो पूरे विश्व कप में ऐसे ही टीम के लिए अहम योगदान देते रहेंगे। वहीं हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने बयान देते हुए कहा है कि टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 साल बाद यादगार जीत दर्ज कर हर किसी को हैरान कर दिया, इसके लिए टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने टीम के लिए हम पारी के लिए इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। मुझे भरोसा इस बार का विश्व कप टीम इंडिया के नाम होने वाला है, ऐसे ही शानदार खेल दिखाते रहे। वहीं जडेजा की पत्नी रिवाबा ने बयान देते हुए कहा है, मैंने स्टेडियम में बैठकर कोहली और जडेजा की बल्लेबाजी का पूरा लुत्फ उठाया। दोनों ने मिलकर टीम को यादगार जीत दिलाई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कोहली ने टीम की अहम भूमिका निभाई, भले 95 रनों पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन शानदार खेल दिखाया। अगर टीम इंडिया ऐसे खेलती रही तो खिताब जरूर हमारे पास होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे खिलाड़ियों की बीवियों ने तारीफ के पुल बांधते हुए करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम जगह बनाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।